वे भैया वे सारा कहाँ गई। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं शाम के पूरे 5। मैं जा रहा था दुकान पे, आज जुम्मा था तो नहाया धोया था और ब्लॉग मैंने डाल दिया था, बट एक गलती हो गई थी। जो ब्लॉग मैंने डाला था ना तो उसमें पता है क्या हो गया था, मतलब 6 बजे का रिमाइंडर मतलब लग गया था जिस शेड्यूल में, तो 6 बजे सुबह की जगह शाम के 6 बजे अपलोड हो रही है वीडियो। तो अभी वो अपलोड होने वाली है और वो भी डल जाएगी, मतलब वीडियो आज ही आ जाएगी तो वो डाल दूंगा मैं आपको, दिख जाएगी। तो अभी चलने का टाइम भी हो रहा है तो अभी निकलते हैं, ब्लॉग में वहीं पर करूँगा थोड़ा बहुत, बाकी सेटअप वेटअप करते हैं फिर निकलते हैं और भी कुछ एक्सप्लोर करेंगे। पापा कहीं गए तो वो आएंगे, फिर दुकान पर वो बैठ जाएंगे, मैं कहीं और निकल जाऊँगा। तो चलते हैं जल्दी से, यहाँ नाटक चल रहे हैं और मैं जा रहा हूँ दुकान पर। ठीक है, दुकान पर आया था मैं, कुछ सेट किया था मैंने मशीन वगैरह और टेबल वगैरह, और ये वाली जो दूसरी मशीन है छोटी की इसे भी ऑन करा था, उसे भी ऑन करा, सब कुछ सब लगाया और अभी यहाँ भी थोड़ा बहुत काम था गाइस, सब कुछ लगा देते हैं। मेरे हाथ में भी पता है क्या होते हैं कैसे आ गया आइसक्रीम, यहाँ पूरा छुपछुपा सा हो गया मेरे यार। और ये कुछ साइड है दुकान के एरिया की, तो अभी यहीं बैठना पड़ेगा। अभी क्या है ना छोटे की मशीन, तो मैं इसमें अपने लिए तो आइसक्रीम खा लो। गर्मी बहुत खतरनाक हो रही है, सही में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पापा भी आने वाले हैं तो मेरे को दो दिन काम से मैं निकाल लेता हूँ, मतलब ऐसे कुछ तो है नहीं है, बट जो सामान वामान रखना है ना वो रख देता हूँ, बाकी मशीन वगैरह तो सब मैंने ऑपरेट कर रखी है, बाकी सब कुछ रखा हुआ है। ये सिलेंडर है, ये इसका कार्बन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर है। गाइस पापा भी आने वाले हैं तो चलते हैं, थोड़ी देर में फ़ोन आ गया था। तो बाकी यार बैठे बैठे कमर टेढ़ी हो जाती है, मानना पड़ेगा दुकान पर बैठना सन काम नहीं है, बिल्कुल बैठ जाएंगे मगर बिल्कुल काम नहीं है सन बैठना भाई। तो भी चलते हैं गाड़ी लेके, चलो। हाँ तो गाइस अभी चलते हैं, चलो मैं बड़ी मुश्किल से फ्री हुआ हूँ तो अब चलते हैं, कहीं मुझे कहीं जाना था तो वहीं चलते हैं, कुछ काम से थोड़ा बहुत सामान लेना था और कुछ काम था। गाइस अभी तक इतना जाम लगा पड़ा कि ज़्यादा खराब हो गई है, जाम ही खोलने का नाम लेते हैं, यहाँ जाम ही लगाया था 24 घंटे। मेरा जो काम था मैंने वो कर लिया, तो अभी जल्दी से घर चलते हैं, कुछ सामान लेकर आया था तो अभी निकलते हैं पहले, और थोड़ा बहुत मुझे घर पे काम है वो करते हैं, और एक सामान वो देखना था बट वो अभी मुझे अवेलेबल नहीं था, तो अभी जल्दी से चलते हैं यहाँ से घर। 8:11 हो गए तो अभी जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं एक सामान लेने गया था, मतलब वो आ चुका था, कोई ज़रा फ़ैन लाए थे और ये रहा फ़ैन, इसके अंदर इसकी पंखड़ियाँ हैं और इसके अंदर मेन जो उसका फ़ैन होता है ना वो है, पहले तो खोल लिया था बॉक्स अभी नहीं आती, अभी रुक जाओ उसे देख के खोलता हूँ, ये नहीं पता कहाँ से खुलेगा, ये खुल गया, इसको भी खोल देता हूँ, इसको भी, इसको भी। ये तो रहे इसके कप्स मिलते हैं, ठीक है, इसकी भी मेन मोटर, इसका रिमोट भी होगा, रिमोट, इसका डंडा, सारा कुछ इसमें सब इसमें ऐड होगा, तो अभी इसमें जोड़ देता हूँ पकड़ कर। गाइस देखो इसकी मेन मोटर, इसके अंदर ये LED है और ये इसकी मोटर है, ये भी देखो ये क्या है इसके कप। गाइस मुझे इसका ये समझ नहीं आ रहा ये किस तरीके से बैठेगा, ऐसे लगेगा ये फिर ऐसे लगेगा, गाइस ऐसा लग रहा है मुझे कि इससे लगेगा, और मुझे पेशकस मंगा के मैं पहले ऐसे कसता हूँ यहाँ पे, बाकी सब ऐसे हो। गाइस इसका ताम झाम समझने में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि अब मुझे पता लगा है इसमें, मुझे लगा तार मिले हुए होंगे लगे हुए, बट इसमें यहाँ से कनेक्शन करना पड़ेगा जो इस पाइप से सीधा ऊपर जाएगा। तो अभी मैं सारे सामान निकाल लेता हूँ, अभी अब मैं मकैनिक यहाँ लगी हुई हैं, मैं इन पंखड़ियों को खोल देता हूँ। गाइस इतनी जान लगा दी मैंने, एक हाथ को पूरा यूज़ कर लिया, वो ये नट खुलने का नाम नहीं दे रहा मुझे, जान लगा दी, बाकी सारी पंखड़ियाँ लग गई, बट ये लास्ट का जो है ना इसने भैया हाथ लाल करवा दिया मेरा, मैं खुलने का नाम नहीं दे रहा, पर मैं यही सोच रहा हूँ खोलूँगी इसे। गाइस इसे खोलने में मेरी हालत ख़राब हो गई है, भैया खोलने का नाम नहीं दे रहा। गाइस बड़ी मेहनत करने के बाद ये खुला है, और देख रहे हो नट की क्या हालत हो गई, एकदम टूटा हुआ सा नट हो गया ये। गाइस अभी इसे भी लगा देता हूँ, वो सब तो कनेक्शन कर ही दिया है, इसमें इतनी जान लग गई ना इस पंखे को लगाने में, समझ नहीं आ रहा, 3 पंखड़े होते हैं नॉर्मली बट इसमें 6 हैं, ऊपर से कनेक्शन में लगी हैं, तो अभी धीरे धीरे लगाऊंगा कुछ पी पी के खा खा के। गाइस आखिरकार पंखा मैंने जोड़ दिया है, अब इसमें लगाना पड़ेगा, पहले से झूमर को उतारता हूँ फिर लगाऊँगा, उसे लगाता हूँ कमर टेढ़ी होगी, कम भी जाना है, डाइट वाइट कुछ नहीं ले पाया, ऊपर चढ़ के मैंने झूमर तो हटा दिया, फ़ैन लगा देता हूँ इसमें, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैंने मेरे हाथों की तो दज्जी होने चुकी है कि फ़ैन लगा लगा था।
मैंने फाइनली पंखा लटका दिया तो मैं भी लटक चुका हूँ। इतनी दस स्टोरी है ना, ये देख रहे हो हाथ कैसे हो गए मेरे। ये एक फ़ैन लटकाते लटकाते बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। फ़ैन लटका दिया मैंने देखो ऊपर, बस चलाने की जा रही है, चलाने चल जा। इसका रिमोट लाओ, चलाओ। इससे कोई उसका फंक्शन नहीं है, इसे रहने दो। तो गाइस फैन की लाइट इसे चला के देखते हैं कहाँ चल रहा है। अगर चल गया तो मैं समझ जाऊँ कि हाँ मेरे को सारे इलेक्ट्रिसिटी के काम आ ही गए थोड़े थोड़े ज़्यादा। गाइस चालू सा हो गया ये, हवा देगा नहीं देगा पता नहीं, रुको। इसमें इसके समझ में तो नहीं आ रहा, इसमें टाइमर भी है। पाइप पे ये तो नहीं, इससे कभी डर सा लग रहा मुझे, इससे डर सा लग रहा है। ठंडा क्या पता नहीं चल रहा है, इतना हेलीकॉप्टर सा लग रहा है। गाइस पता नहीं क्यों हवा नहीं आ रही इसमें से, इससे इन पंखों के पता नहीं क्या सिस्टम होते हैं। एक दिखाने वाला खाली देखो, चलाता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है वो वाला है जिसमें बस आवाज़ नहीं आती, चलता उड़ेगा और देखे ऐसे तो बाल तक नहीं है। तो पंगड़े को गलत लग रही है, तो भी नहीं आ रही इसमें, ऐसा लग रहा है एसी बस थोड़ी फुली नहीं आ रही, जैसे ये बनता है ऐसा, ये ऐसा है इसमें आवाज नहीं आती, चलता है हमने इसको। अरे हवा तक नहीं आ रही इसकी तो क्या है भैया, इतनी मेहनत करके हवा भी नहीं आ रही, क्या फायदा हुआ एक हाल तक नहीं हिला। पर ऊपर से चेक करता हूँ रिवर्स, इसमें रिवर्स का दे रखा है। ये रिवर्स वाला बटन दबाया तो हवा आ रही है, मतलब रिवर्स चल रहा था उससे पहले, अब से ही चल रहा है ये। चलो मेहनत वसूल हुई, जाता हूँ मैं कैसे भी करके थोड़े बहुत कर ही लूँगा वर्कआउट। फैन तो लग गया कम से कम, तो मेहनत वसूल हुई। गाइस देखो कितनी तेज फैन चल रहा है, बाहर तक के पर्दे कैसे उड़ गए देख रहे हो। तेज चल गया अभी, हमें ओनली नहीं चल रहा था, अब बहुत तेज चल रहा है, तो बहुत तेज चल रहा है ये। तो देखो बाहर तक तूफान पैदा कर दिया ने। मेरे पास मेरा तोता है जो किसी का नहीं होता है, बहुत परेशान है ये भी। अच्छा भाई इसने मेरे को ऐसे पकड़ रखा, अगर मैं अपना हाथ खींचा है ना सही कट लगे। तो नाम चिंटू है, चिंटू नाम सही लग रहा है ना। घड़ी भी लगाई थी तो वो जो यहाँ लग गई है, अब ये भी लग गया है फैन, अब मेरे को गर्मी लगी। तेज शुरू हो गया भैया, पंखा बंद करो, ये पंखा बंद करो भैया, ये क्या हुआ, ये पंखा बंद करो, पिंजरा उतार लो, खामा का नीचे पहुंच जावा। वाओ ये क्या, ए इसे पकड़ो यार, इसे इसे पकड़ो भैया, से नीचे में डर लग रहा है, पकड़ना बस। दरी गई हमारी, दरी गई, तुम क्या सोच रहे हो सारा, ये हुआ क्या, पीछे हो जाओ, मैं पंखा बंद करो तुझे पीछे। अबे भैया अबे 2012 फिल्म नहीं बता रहा, नहीं उधर गई है बोरी, क्या खींच के लिया, पंखा चालू मत करना, अब लाओ भाई गाड़ी भी लगा दो, गाड़ी उड़ जाएगी भैया। तंग आ चुका हमारे एक फैन ऑन करने से, एक फैन गलती से ऑन कर दिया, क्या हो गया, मैंने गलती कर दी फैन ऑन करके। आज देख लो क्या तूफान आ गया है, मुझे गाड़ी तक नहीं चलाई जा रही है, आंख से दिख नहीं ना साफ बात। गाइस आंधी आया, तूफान है, कितना ही बड़ा तूफान है, हमने रसमलाई मंगाई तो वो लानी पड़ेगी, तूफान तो आते ही रहेगा। मम्मी ने रसमलाई ली है, वो नहीं रुकनी चाहिए, रसमलाई ले ली गाइस, अब चलते हैं। गाइस मेरा भूत बन चुका है भैया, आपसे दिख भी नहीं रहा मुझे भैया, तूफान दुबई से भी खतरनाक था भैया। मैं पूरा मैंने भाई भाई अच्छा ब्लॉग नहीं करा, मेरी छाती पे उड़ा था उन्होंने काम आया, वो देख लो बाहर वहाँ रोड का जो हाल हो रहा है, बिल्कुल दूर से हो सकता भैया, लाइटें तो गई हमारी बस थोड़ी सी बची। पवंडर नहीं है पता नहीं इसका भी बाप है, बेचारा इनका क्या हो रहा होगा देख लो।
अबे तुम्हारा घर बना बना तो रखा है, वहीं बैठ जाओ। अच्छा लग रहा है, उठा के गाइस अंदर रख लो रूम में। चलो बोलो, कोई बाहर गया ना तो सही में उसकी बच्चे बनेंगी, क्योंकि मेरी उठ चुकी है मेरी। ये आके दिख रही होंगी सारी रेड रेड हो गई हैं, ये देख रहे हो मट्टी। तो अंदर कोने में घुस के बैठा हुआ, हमारी सांसें ऊपर ऊंची हो गई कि गया कहाँ, और अगर वो गलती से बाहर चले जाता ना तो फिर इसे कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि मुझे ही नहीं बचा पाया था, इसे खाक बचा पाता। ये क्या हुआ है गाइस, दुबई का तूफान यहाँ भी आ गया। मेरा जो हाल हुआ ना मुझे पता है, अगर मैं वहाँ ब्लॉक कर रहा होता ना तो आप सोचते कि गया है। ये देख लो सब जगह डस्ट, सब जगह मेरे मुँह पर डस्ट आ गई, और कहाँ आएगी अब डस्ट, पहले गंदगी हुई है अब बारिश होकर साफ होगी। मुझे भी नहाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे जो मुंह पे डस्ट है ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा फील हो रही है। बाल ऐसे हो गए गोंद से, नहीं गड़े गड़े ऐसे। अब गोंद से मैं तो तूफान से खेलता हुआ आया हूँ, मुझे ना पता इतना सीरियस तूफान होगा। बहुत ठंडी हालत हो गई भैया, मैं ना लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अलग अब बहुत अजीब लग रहा है, और मैं जिम भी नहीं जा पाया। एक तो मेरी हालत खराब हो गई, टाइम चालू कर दिया ना गाइज, इसके बाद फ़ोन लग गया है ना तो अभी इतनी पागल हो चुकी है, इनने पूरी दुनिया के लोगों को फ़ोन मिला मिला के बात करती रहती है, पता नहीं कितनों को फ़ोन मिला दिया, अब अप्पा है पप्पा है पता क्या क्या बोलती रहती है। तो सही है, करते रहो उससे बात, लोग देख रहे हैं तो उससे बात कर रहे हो सबके सब जितने भी लोग हो, अगर हमारा फ़ोन आ रहा है तो। गाइज अभी कहना मैं ना करा, और ऐसा तूफान आ रहा भैया क्या बताऊँ, मतलब कहीं के डब्बे कहीं कुछ कुछ ना कुछ उड़ गया, पता नहीं क्यों उड़ गया, सब कुछ उड़ गया, मेरी हालत ख़राब हो गई है। अब मैं अभी अंदर बैठ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं तूफ़ान में गया था और बहुत ख़तरनाक तूफ़ान देखा मैंने, अब नहीं जा रहा भी यहीं बैठे रहो, तूफान हो गई फालतू की चीज़, हालत ख़राब हो जाती है ऐसे तूफानों में। मेरे ऊपर पेड़ गिर जाता गाइस, अभी भी कितने पेड़ गिरे हैं, अभी मैं सुबह दिखाऊँगा आपको, बट अभी जो हाल हो रहा है ना बहुत ख़तरनाक हो रहा है बाहर का। मैं नहा धोकर साफ़ सुथरा होकर लेट गया था, और बारिश तूफान तो फिर अपने आप शांत हो गए। सो अभी देखो फैन ऑन कर दिया हमने, अभी सारा कुछ मेरा बिस्तर वगैरह खींच गया है, मैं सोने जा रहा था, और अभी जितना ब्लॉग हो पाया मैंने अपना खुद दिखाया, और अभी बज रहे हैं रात के 12:53 हो रहे हैं, और अभी मतलब वही एक बजने वाला है, सो बो रहा हूँ, मुझे जल्दी उठना है सुबह, कल के एग्ज़ाम है मेरा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तो अभी के लिए इतना ही करता हूँ ब्लॉग। कि न्यू फ़ोन आ चुका है, इसकी कहानी कल बताऊँगा, तो अभी के लिए इतना ही, अगर ब्लॉग चलो तो लाइक कर देना, प्लीज़ आ गई है तो इसके लिए शेयर कर देना वीडियो को, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा सी यू। ऐसे बोलो बाय बाय, ऐसे बोलो बाय बाय, ऐसे बोलो बाय 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 गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा सी यू, बाय बाय, टेक केयर।